दर्शकों नमस्कार, आज मेरे साथ एज यूजुअल मुकेश तो है ही, मिस्टर ओलंपिया और भास्कर भी है, भास्कर शाह। 300 किलो की बेंच अभी इसने मारी नेशनल चैंपियनशिप में, और ये बहुत बड़ी बात है एक यंग बच्चे के लिए। और सुरेंद्र भी है वर्ल्ड चैंपियन, और आज और ये तीनों ने एक कंपनी के अंदर उनको ब्रांड एम्बेसडर भी लिया है मसल माउंटेन के नाम से। वो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे आगे आ रहे हैं और कंपनियां इनको आगे ला रही हैं। तो आज हम फोर आर्म की एक्सरसाइज पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि फोर आर्म्स के बारे में बताएं। चलिए, फोर आर्म एक ऐसा पार्ट है आपकी बॉडी का, जैसे कि आप टी शर्ट्स पहनते हैं या कहीं पार्टी में भी जाते हैं या कहीं भी होते हैं, यू ऑलवेज वॉन्ट्स योर फोर आर्म्स टू बी गुड। और इसके मामले में मैंने देखा है कुछ लोग डेली फोर आर्म पे लग जाते हैं, ये भी गलत है। डेली भी नहीं लगना, लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी है, क्वालिटी एक्सरसाइज जो आपको इफेक्ट लाए और बढ़िया फोर आर्म। जैसे अभी मुकेश का वार्म अप नहीं है, अभी मैं जब ये वर्जिश करेगा तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे मैं दिखाने वाला। फोर आर्म एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत सारी, जैसे बाइसेप भी करते हो, प्रीचर करोगे, कंसेंट्रेट, इसमें सब फोर आर्म इन्वॉल्व होता ही, ऑल एक्सरसाइज में होता ही है, क्योंकि हम ग्रिप लेते हैं ना तो फोर आर्म पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। अभी सबसे पहले आपको फोर आर्म कर्व दिखाते हैं, ये तीन चार एक्सरसाइज करोगे ब्यूटीफुल बॉडी होगी। चलो ओके, तीन से चार सेट, 25 से 30 रैप्स। कुछ मैंने लगा बहुत सारा वेट डाल लेते हैं और फिर बाद में रिस्ट में बहुत इंजरी हो जाती है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम रैप कर लो, मीडियोकर वेट लेके, थोड़ा भारी भी ले सकते हो, लेकिन 110% वेट नहीं लेना, और 25 से 30 रैप ऐसे रिलैक्स। चलो, अब कुछ बच्चे इसको उल्टा लेके भी करते हैं, वो भी बता दो जी। ये देखो, ये फोर आर्म देख रहे हो ना, जबरदस्त फोर आर्म। ग्रेट रेसलर मास्टर चंदगी राम यूज टू डू दिस, वो गीले कट्टे को निचोड़ते थे, बोरी को निचोड़ के कितनी बोरियां निचोड़ देते थे, और उनकी पकड़ ऐसी थी, पद्मश्री हुए वो, ऐसी पकड़ थी, उनके बच्चे भी मेरे पास ट्रेनिंग करते थे। अगर वो किसी पहलवान को उन्होंने पकड़ लिया तो उसके लिए छुड़ाना बहुत मुश्किल था, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए, चलो इसका लेवल भी मैं बता देता हूँ कहाँ तक जाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से लपेटते हैं, पूरा लपेटा, लपेटो लपेटो लपेटो। अब मुकेश बताओ, हाथ से छोड़ दो, ये गलत है। अब लपेटो, जैसे आप लपेटोगे जी, चलते रहो। अब खोलो, फिर चलो, फिर खोलो, फिर चलो, अभी आप रख दो। एक सेट इसका लेना है डंबल क्लब और एक सेट इसका। चलिए, चलो ये भी 25-30 रैप्स ऐसे ट्विस्ट करना है, दिस वेरी गुड फॉर रिस्ट एंड योर ऑल आर्म। और आप कुछ ही दिनों में, अगर आप इसको करते रहोगे ना, 6 to 8 weeks, आप देखोगे यार एकदम आपका फोर आर्म, लेकिन जाना हद तक है, साथ में आपके कोच खड़े रहे, कोई भी कोच हो उसका कहना मान के उनको साथ रखो और ऐसे करते रहो। अभी नेक्स्ट, फिर उठा लो, ऐसे 2 से 3 सेट इनके जरूर करने हैं। चलो, और कोच को देखना है कि कब वो टायर्ड हो गया है और कब तक, और इसको 110% तक जाना है जब ये आप, हाँ चलो, फिर चलो मुकेश, फिर चलो, यस। कुछ बच्चे इसको ऊपर उठा लेते हैं यूँ, ऐसे भी नहीं, कुछ बच्चे नीचे कर लेते हैं, ये भी नहीं, ये ही बस, ये ठीक है। चलो चलो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, फिर खोलो, फिर लपेटो, शाबाश, अगेन एंड अगेन, शाबाश, रख दीजिए। अभी मैं पूरा 100% नहीं कर रहा,
जब मैं डंडा लेके खड़ा होता हूँ तो फिर पूरी तरह से चलिए जी। ये वीक में दो या तीन बार ही आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लोग हर रोज ही लगे रहते हैं कि कल सुबह ही तैयार हो जाएगा, ऐसे नहीं है। किसी चीज के पीछे अभी देख रहे हो आप, फोरआर्म देख रहे हो, ये देख रहे हो, कैन यू सी दिस? यस, पंप, यस, वेरी गुड, यस। अभी इनको रिवर्स कर्ल भी दिखाओ। एक ये भी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, रिवर्स कर्ल, यस। इसमें फोरआर्म ट्राइसेप बहुत अच्छा, देखिए रिवर्स कर्ल, रिवर्स कर्ल, वेरी गुड एक्सरसाइज। मैं इसको बड़ा प्रेफरेंस करता हूँ हमेशा, मैंने ये देखा है। देखिए मे बी लोगों की थ्योरी कुछ और भी होगी, लेकिन जो जिससे मुझे ज़्यादातर रिजल्ट मिला वही मैं बात कर रहा हूँ। रिवर्स कर्ल 4 sets 10-12 reps, ये भी आपको बहुत अफेक्ट डालते हैं। इट इज, वी आर नॉट 100% परफेक्ट, वट एवर यू लाइक यू कैन डू, जो अच्छा नहीं लगे वो मत करना, लेकिन हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जीवन में, मैं यही बोलता हूँ। नेगेटिव आपको हमेशा नेगेटिव तरफ ले जाएंगे। जीवन तरीन जीने का एक तरीका है और एक बहुत खूबसूरत बगीचा है। आप कितने फूल इसमें से सूंघे, उसकी खुशबू लें, यही जीवन जीने का तरीका है। ऑल मैसेज टू यू एंड मेक ए गुड फोरआर्म। फिर एक बार फोरआर्म दिखाइए मुझे जी, यस, वो भी दिखाइए। लोगों का होता है एक बाजू छोटी एक बड़ी, ये कैसे हो गया, इनकी दोनों बराबर कैसे हो गई? भैया ये सिर्फ शक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।